बीपीए न्यूज क्रिएटिव डायरेक्टर ने खंड मूल गांव जयसिंहपुर चिलवली के भावी सरपंच उस्मान के भाई नियाज मोहम्मद के साथ की खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको हर गाँव की, क्षेत्र की, शहर की, देश की, प्रदेश की सभी खबरों से अवगत कराते हैं, आज हम पहुँचे हैं गाँव जयसिंहपुर में। जयसिंहपुर से मुलाकात हमारी हुई भाई नियाज मोहम्मद जी से। तो उन्होंने गांव की सेवा का मन बना रखा है, और जैसा हमने पीछे स्टैंड पे लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये लोग पहले से ही गांव की सेवा में लगे रहे हैं। और अभी भाई साहब हमारे साथ नियाज मोहम्मद जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस टाइप का मनसूबा अब की बार लेकर गाँव के प्रति आ रहे हैं। नियाज मोहम्मद जी कैसे हैं? बस बढ़िया है जी, दुआ है आपकी। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। तो जैसा अभी हमने सुना है कि आप पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने क्या मनसूबा लेकर चल रहे हैं आप अपने? सर, असल में ऐसा है, अब से पहले भी हमने सेवा की, उससे पहले भी हमारे दादाजी ने सेवा की, उससे पहले भी हमारे दादाजी तीन बार रहे थे। तो लोगों को पता है कि सेवा करने वाले कौन हैं और लूटने वाले कौन हैं, क्योंकि अब हमने अपने जानबूझकर लोगों को मौका दे के देखा है। जिस आदमी को कम से कम पाँच छः प्लान रह चुके हैं जो सरपंच, उसकी कोई तो वजह होगी जो लोग वोट सपोर्ट करते हैं हमारे। ठीक बात, हमारा इतिहास भी रहा है कि आज तक ना किसी थाने के अंदर हमारा कोई रिपोर्ट है, ना किसी चौकी के अंदर। वजह क्या है कि हम लोगों की भलाई चाहते हैं हर हाल में। तो आपने जो बात कही दादा परदादाओं की या ताऊओं की, तो ये क्या समाज सेवक रहे या गांव के जिम्मेवार, यानी कोई चुनिंदा आदमी रहे? ऐसा है सर, जो सेवक होता है ना, लोगों की सेवा करता है, लोगों के बारे में सोचता है, भलाई के बारे में सोचता है, लोग उसी को चुनते हैं। यानी हर आदमी ये जानता है कोई अच्छा आदमी है। यानी गांव ने जिम्मेवारी दी थी आप इस तरीके से हमारी सेवा करेंगे? जी सर, हमें गांव मौका देता रहता है और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि फिर भी हमें मौका देगा। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कंटिन्यूअस हम लगातार रहे गांव की सेवा करते रहे, सरपंच के पद पर रहे हैं, अभी फिर बीच में आपने बोला कि हमने एक बार किसी और को मौका दिया कि भाई चलो बार इनको गांव की सेवा करने दो, तो क्या उसमें कम कुछ खामियां रही? उसकी वजह ये थी कि आपस में थोड़ा रंजिश होने की खातिर आपस में हो जाते, इस वजह से हमने सोचा कि देखो अपने गांव के ऊपर दूसरे लोगों को मौका दे के देखो, इस वजह से हमने ढील कर दी। अच्छा, चलो आपको अगर गांव ये ईश्वर भगवान अल्लाह आपको सरपंच बना देता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गाँव के प्रति? देखो सर जी, हमने पहली बार सबसे पहले गाँव के अंदर पाँचवीं क्लास का हमारे गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल जिसको मिडिल करवा दिया, उसको हमने, जैसे आप देखेंगे जाएंगे गांव के अंदर तो गांव से पहले ही स्कूल पड़ता है, स्कूल के दूसरी साइड में हमने गर्ल स्कूल बनवाना चाहा। आज भी आप जाकर देखें, वीडियो बनाए, वहां जाकर बाउंड्री बनी हुई है, यानी डीपीसी ने कर रखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको रोक लगा दी उस पर, उसको करने के बाद हमने पहले भी ये चाहा कि गर्ल स्कूल अलग हो और बॉयज़ अलग हो, और हमारी जो अब कोशिश होगी कम से कम 12वीं तक अपने स्कूल को करवाए। अच्छा, पहली प्राथमिकता आपकी एजुकेशन की तरफ है, यानी अभी जो स्कूल है वो 8 तक है, आपने 5th से 8 तक कराया, अब अगले आपका प्रयास रहेगा कि आपका स्कूल 8 से 12 तक हो। और इसमें गर्ल्स के लिए आप क्या कहते हैं? गर्ल्स के लिए स्कूल ही अलग बनवाएंगे, पहले में हमने यही कोशिश की। आप जाकर देखेंगे वहाँ डीपी स्टेक बना हुआ है, आप देखेंगे जाकर तो कुछ ही लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते, उन्होंने उसको रुकवा दिया, बंद करवा दिया, वरना आज वो कंप्लीट होता। दूसरी बात है, जो गांव चिलावली है तो रोड पे जो पड़ता है वहाँ पर कॉलेज बना हुआ है, बहुत मशहूर कॉलेज है, नया कंप्लीट है अभी, वो भी हमने मंत्री साहब से कहकर, आफ्ताब जी से कहकर हमने उसको कंप्लीट करा। तो आपने गर्ल्स कॉलेज भी यहाँ पे बनवाया है? जी सर। इसके अलावा आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? युवाओं के बारे में सर, देखो यहाँ बेरोजगारी तो है ही, और दूसरी बात ये है कि ये फैक्ट्रीज आ रही है, फैक्ट्री भी जो पेप्सी है ये भी उस वक्त हम ही सर बनते हैं, उस वक्त कंप्लीट हुई थी, और ये कहता है कि अभी एक दो फैक्ट्री आने की उम्मीद और है, लोग युवाओं को रोजगार तो तभी बन पाएगा। और सरकार से अपील करेंगे, हमारे यहाँ पर रोजगार क्या है, ड्राइवरी का रोजगार है, और लाइसेंस किसी तरीके से बनना शुरू होता है, बस उसी से लोग अपना घर कर पालन कर सकते। अच्छा, और दूसरा महिलाओं के,
महिलाओं के बारे में देखो, हमारे यहाँ मेवा क्षेत्र की महिलाओं को एक वजह होती है कि उनको किसी तरीके से पानी सही से मिल जाए, वो काम हम अपनी सरपंची में करा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के बारे में जो वो होती है ना ANM JNM होती है, ANM JNM वो जो होती है वो पर हमारे ज़माने में जिस वक्त हम सरपंच थे, अब से 5 साल पहले जिस वक्त हम थे उस वक्त तो हमने कंप्लीट पुण्य निकाले ध्यान दिया है, लेकिन अब सही बात तो ये है कि इतना मतलब कोशिश नहीं किए फिलहाल। अच्छा अच्छा। और जो सरकारी अस्पताल होता है ना छोटा, वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया। ठीक। उसके बाद में हमारी वहाँ यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपने गांव में बनवा दिया। जी सर। ठीक है ठीक है। इसके अलावा आप ANM JNM की ड्यूटी लगा के महिलाओं के हेल्थ का स्पेशल चेकअप कराएंगे, जो स्पेशली पूरा ध्यान दिया है इस बात को। अच्छा। अब इस बात को ध्यान जो मौजूदा सरपंच है उसको देना चाहिए। गांव के अंदर जब एक आदमी तय कर दिया जाता है ना, उसको पूरे गांव का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक। हमने पूरी तरीके से ध्यान दिया, आगे भी इंशाल्लाह हम ध्यान दें। तो जो गांव में गरीब परिवार बसे हुए हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके लिए प्लॉट हमने दिलवाई, जितने भी BPL परिवार थे सबको प्लॉट हमने दिलवाई जहाँ चौकी के पास में, हमें यहाँ पंचायत की जमीन है। अब उनकी ज़मीन चली भी गई है, हालांकि रोड में ज़मीन गई है, पता नहीं उन लोगों को आएगी जो अभी, चलो जिनको आपने दिलवा दिए वो तो शायद होगी। हमारी फिर पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी सरकार की तरफ से योजना मिलती है हम पूरा पूरा अपने गांव के लिए कोशिश। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लोग गाँव में मकान बढ़ाए जा रहे हैं या BPL प्लॉट कटे जा रहे हैं, उस मतलब आपका पूरा प्रयास रहेगा? पूरी कोशिश रहेगी जी। अच्छा अच्छा। हम ये चाहेंगे कि किसी तरीके से हमारा गाँव जितनी भी सरकार की तरफ से योजना होती है सब में अपना पूरा हिस्सा दे। चलो, आपसे अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पूरी मेवात के अंदर क्या पूरे हरियाणा के अंदर आदमी ये बात देख ले कि हमारे गांव के अंदर कौन अच्छा आदमी उसी को अपना प्रधान चुने। देखिए, सरपंच साहब ने कहा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि गाँव मुझे चुने, मैं पूरे क्षेत्र की, मैं पूरे हरियाणा की, मैं अपने प्रदेश के लिए लोगों से अपील करता हूं कि जो गांव के ईमानदारी से सेवा करे, सच्चा सेवक हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसे व्यक्ति को गांव का प्रधान बनाए। बढ़ते कदम सच्चाई के कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा।